हेलो दोस्तों, टेक्नो विक्रांत में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको Realme X3, X3 Super Zoom के फरवरी मंथ के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के चेंज लॉक के बारे में बताऊंगा और ये अपडेट आपके मोबाइल में कब तक मिलेगा और क्या है इसका अपडेट लॉक, सभी कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। यहाँ पर फाइनली Realme वालों ने Realme X3, X3 Super Zoom के अंदर फरवरी मंथ का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रोल आउट कर दिया है। ये अपडेट केवल उन यूजर को मिलेगा जो Realme UI 2.0 के अर्ली एक्सेस अपडेट जो है नहीं किए होंगे, उन्हीं यूजर को ये अपडेट मिलेगा। और जो यूजर Realme UI 2.0 अर्ली एक्सेस अपडेट जो है कर लिए हैं, उन यूजर को ये अपडेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे Realme X3, X3 Super Zoom का मॉडल नंबर RMX 2081 है, देन न्यू अपडेट का जो वर्जन है A.49 है। यहाँ पर इसका OTA अपडेट का साइज तो मुझे पता नहीं है क्योंकि ये अभी हाल ही में रोल आउट हुआ है, तो इसका OTA अपडेट का साइज मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका मैनुअली अपडेट का साइज जो है लगभग 3-3.5 GB के आसपास देखने को मिलता है। तो इसका मैनुअली अपडेट कस्टम रोम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं अपने फोन को। तो ये था दोस्तों Realme X3, X3 Super Zoom का बेसिक सॉफ्टवेयर इंटरफेस। और आप बात करते हैं इसके अपडेट लॉक की, कि क्या फीचर्स ऐड हुए हैं, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं और कौन से मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है उसके बारे में। सबसे पहले चेंज की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर 5th Gen 2021 का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये फरवरी का अपडेट है, फरवरी में रोल आउट हुआ है, लेकिन जनवरी का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है इस अपडेट के थ्रू। देन इसके अलावा बात करें अगले फीचर्स की तो ब्लूटूथ के अंदर फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट रिकनेक्टिंग द ब्लूटूथ हैंडसेट ड्यूरिंग अ कॉल कॉज्ड लाउड साउंड। यहाँ पर ब्लूटूथ के अंदर रिकनेक्टिंग प्रॉब्लम था, तो उसके बाद जैसे ही रिकनेक्ट करते थे तो वहाँ पर लाउड साउंड होता था, बहुत ज्यादा आवाज आने लगता था, उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया है। देन इसके अलावा बात करें अगले फीचर्स की तो क्लोन फोन के अंदर फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट डाटा माइग्रेशन फेलियर। इसका मतलब अगर आप क्लोन फोन करते हैं तो उस टाइम पर जो डाटा है ओरिजिनल सिस्टम से क्लोन फोन वाले सिस्टम में जाने में मर्ज होने में प्रॉब्लम होता था, जो भी डाटा है जैसे कि कॉन्टेक्ट मैसेज वगैरह जो भी है वो मर्ज नहीं हो पाता था क्लोन फोन के अंदर ओरिजिनल सिस्टम से क्लोन फोन में, तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिए हैं। देन इसके अलावा बात करें अगले फीचर्स की तो रिकॉर्डिंग के अंदर फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू दैट रिकॉर्डिंग डिस्प्ले एबनॉर्मली व्हेन द रिकॉर्डिंग फाइल इज डिलीटेड। इसका मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद उसको डिलीट भी कर देते हैं, उसके बाद भी रिकॉर्डिंग जो है हो रहा है ऐसे दिखाई देता था, तो अब नॉर्मली जो है रिकॉर्डिंग दिखाई देता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इसके अलावा बात करें अगले फीचर्स की तो सिस्टम के अंदर ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। इसका मतलब सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया है और सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया है, जिससे आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के। तो ये था दोस्तों Realme X3, X3 Super Zoom के फरवरी मंथ का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट का चेंज लॉक। ये अपडेट केवल उन यूजर को मिलेगा जो Realme UI 2.0 के अर्ली एक्सेस अपडेट जो है नहीं किए होंगे, उन्हीं यूजर को ये अपडेट मिलेगा। और जो यूजर Realme UI 2.0 अर्ली एक्सेस अपडेट जो है कर लिए हैं, उन यूजर को ये अपडेट नहीं मिलेगा। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये अपडेट मिला है कि नहीं। और अगर ये अपडेट आपको मिल गया होगा तो इसके OTA अपडेट का साइज कितना है वो भी कमेंट में जरूर बताना। और ये अपडेट आपको नहीं मिला होगा तो 1 वीक वेट कर लीजिए, 1 वीक के अंदर डेफिनेटली ये अपडेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।